हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग केवल वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, हम लोग क्रैश कोर्स में केवल उसी को लेकर चल रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़े, कैंसर के कारण पढ़े, कैंसर के लक्षण पढ़े, कैंसर के निवारण पढ़े, तो आज गाइस जो हम लोगों का टॉपिक है वह है दो जीनों की वंशागति। दो जीनों की वंशागति का नियम गाइस मेंडल दिए थे, ग्रेगर जान मेंडल, और ये 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे मटर के पौधों पर। वह वर्ष 1856 से 1873 तक इनका प्रयोग 1856 से 1863 तक जो ग्रेगर जान मेंडल 7 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके नियम को दिए। तो गाइस, उनमें एक नियम है उनका दो जीनों की वंशागति। तो आइए हम लोग दो जीनों की वंशागति के बारे में पढ़ते हैं। गाइस, इनका जो नियम था यह 1856 से 1863, टोटली डिस्टेंस 7 ईयर। तो गाइस, इसमें इन्होंने पहले जो यह दो जीनों की वंशागति है, इसमें इन्होंने पहले बीज का आकार लिया। बीज का आकार दो प्रकार का होता है। पहले इन्होंने क्या लिया, बीज का आकार, बीज का आकार, बीज का आकार। और गाइस, दूसरा ये लिए पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। तो गाइस, जो हम लोगों का बीज का आकार होता है, इसमें दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक होता है गोल बीज, एक होता है झुर्रीदार बीज। और जो हमारा पुष्प होता है, इसमें भी इन्होंने दो लक्षण लिए, एक होता है पीला, एक होता है हरा। इसमें इन्होंने गोल बीज को लिया, गोल बीज, जिसे हम लोग आर आर से लिखते हैं। और यह दूसरा लिए थे झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज, जिसका साइन होता है आर आर, स्मॉल आर आर। और झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज, इसका साइन गाइज होता है आर आर। और ये पुष्प का रंग में इनका एक था गोल, एक था पीला और एक था हरा, एक था पीला, एक था हरा। पीला को हम लोग कैपिटल वाई वाई से दिखाते हैं और जो हरा है इसको स्मॉल वाई वाई से दिखाते हैं। गाइस, जो मेंडल ने दो जीनों की वंशागति के बारे में नियम दिया था, इसमें इन्होंने जो मटर का पौधा था उसमें दो लक्षण के लिए, पहला बीज का आकार लिए, जिसमें उसमें पहला था गोल बीज, दूसरा था झुर्रीदार बीज। गोल बीज को हम लोग कैपिटल आर आर से दिखाते हैं, झुर्रीदार बीज को स्मॉल आर आर से दिखाते हैं। और जो दूसरा करेक्टर लिए वह था पुष्प का रंग, पुष्प का रंग में एक था पीला, एक था हरा। अब इनके बीच मान लीजिए यहाँ पे यह है गोल बीज आर आर, और यह है झुर्रीदार बीज, और यह है पीला बीज, यह है हरा बीज। गाइस, अब ये इनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण की क्रिया कराए, तो इसमें आर आर मिला। और जब ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराए तो इसमें वाई वाई मिला। गाइस, पहले इन्होंने जो करेक्टर लिया, जो लक्षण लिया, बीज का आकार, बीज का आकार में जो गोल बीज था वह झुर्रीदार बीज थे, इन दोनों के बीच पहले सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण की क्रिया कराएं। क्या कराएं? स्व परागण, स्व परागण। और गाइस, इसमें भी ये स्व परागण कराएं, स्व परागण। गाइस, पहले जो करेक्टर ये लिए थे, जो लक्षण लिए थे, इन्होंने पहले उसमें स्व परागण की क्रिया कराया, एक स्व परागण इसमें हुआ और स्व परागण इसमें हुआ। स्व परागण के दौरान जो यह उत्पाद प्राप्त हुआ, जो यह लक्षण दूसरे संतति में आया, अब इन दोनों को लेकर, अब ये इन दोनों को लेकर क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, पर परागण कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। मान लीजिए ये इन दोनों लक्षणों को लिए,
और चार प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए। गाइस यह हम लोगों का गोल है और यह है पीला, गोल झुर्रीदार बीज, पीला हरा बीज। तो इसमें जब इन्होंने इसे, आइए इसे हम लोग अलग से समझते हैं। गाइस इसमें एक करेक्टर है आर आर, एक करेक्टर है वाई वाई। गाइस जो ये बीज का आकार था, इसमें जब ये परागण की क्रिया कराए स्व परागण की, तो इसमें मिला आर आर, और जो पुष्प का रंग था जब उसने स्व परागण की क्रिया कराया तो उसमें मिला वाई वाई। फिर अब इन दोनों के बीच अब ये पर परागण की क्रिया करा रहे हैं, एक बार ये इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर यह इससे, फिर यह इससे, तो इससे प्राप्त आर वाई, फिर सॉरी गाइस यह इससे होगा। तो जो अगला बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर जो अगला बनेगा कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर जो अंतिम बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। गाइस यह हो गया जो, यह उन्होंने क्या लिया था, बीज का करेक्टर, या उन्होंने लिया था कलर का करेक्टर। इन दोनों को जब पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन गाइस क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया कराए तो यह प्राप्त हुआ। तो जो दूसरे जनरेशन में हुआ था ये चार करेक्टर प्राप्त हुए। अब गाइस जो इनका जो मेंडल का दो जीनों की वंशागति है इसी पर आधारित है। उन्होंने पनेट वर्ग में बनाकर इनका स्व परागण कराया, एक करेक्टर इधर लिया और यही करेक्टर दूसरी तरफ लिया, फिर इनका स्व परागण कराया, फिर जो उसमें अनुपात आया जीनोटाइप फिनोटाइप उसका अध्ययन किया। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का, आइए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं आर वाई, फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो गाइज अब ये अब हम लोग पनेट वर्क बनाकर समझते हैं। गाइस ये अब बन गया हम लोगों का पनेट वर्ग। अब एक तरफ इसे रखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर गाइस यह जो यहाँ पर यह लक्षण लिए, ये जो मेंडल अपने इसमें पनेट वर्ग में एक लक्षण जो यहाँ पर लिए वही लक्षण यहाँ पर भी लेंगे। तो गाइस आइए अब हम लोग इसके निषेचन का साइन बना देते हैं, इधर ये हो गया और इधर ये। तो गाइस अब ये इसी लक्षण को इसी लक्षण से फिर पॉलिनेशन मतलब फिर मतलब फिर स्व परागण कराएं, इसी लक्षण को फिर इसी लक्षण से स्व परागण कराएं, फिर जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ और फिनोटाइप प्राप्त हुआ उसका अध्ययन किए। तो आइए अब इसी लक्षण को हम लोग इधर फिर से लिख लेते हैं, हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर और एक बना लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। गाइस ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण की क्रिया हो रही है। तो आइए अब हम लोग इससे कराते हैं, यह आर इससे मिला हो जाएगा आर आर, और यह वाई इससे तो आर आर वाई वाई, फिर यह आर इससे तो आर आर, फिर यह वाई इससे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यह आर इससे आएगा तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हो जाएगा कैपिटल वाई, फिर यह आर आया इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
फिर गाइज अब इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब इसका इससे करा देंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई गाइज। अब इसका इससे कराएंगे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब जब इसका इससे कराएंगे हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब इसका इससे कराएंगे हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर जब इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब इसका इससे कराएंगे गाय जिसमें स्व परागण की क्रिया हो रही है तो या अब इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका इससे कराएंगे हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे कराएंगे हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब गाइज इसमें हम लोग लक्षण को जानेंगे तब उसका हम लोग आइए अब यहाँ पे नाम लिखते हैं। इसमें गोल लक्षण दिख रहा है, आइए यहाँ से फिर से बना देते हैं आप लोगों को। यह है गोल, यह है झुर्रीदार, यह है पीला, यह है हरा, यह है गोल, यह है झुर्रीदार, यह है पीला और गाइस यह हो गया हरा। तो गाइस यहाँ पे आर आर वाई वाई है तो यह गोल पीला का लक्षण दिखा रहा है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गोल गोल पीला गोल पीला। फिर इसमें भी गाइस जो लक्षण है यह गोल का दिख रहा है, एक लक्षण वाई का दिख रहा है तो यह भी हो जाएगा गोल पीला। गाइस यहाँ पर एक लक्षण गोल का है और दो लक्षण वाई का है तो यह भी हो जाएगा गोल पीला गोल पीला। गाइस इस प्रकार से यह भी हो जाएगा गोल पीला। और गाइस इसमें भी आर आर वाई वाई है तो यह भी हो जाएगा गोल पीला। अब गाइस इसमें आर आर गोल हो गया, स्मॉल वाई दोनों हैं तो यह हो जाएगा गोल हरा। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, दोनों प्रभावी लक्षण है, इस कारण से यह भी हो जाएगा वही गोल पीला गोल पीला। और गाइज इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब यह गोल का लक्षण दिखा रहा है और स्मॉल वाई हरा का तो यह फिर हो जाएगा गोल हरा गोल हरा। फिर गाइज यहां पर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यह हो जाएगा गोल पीला गोल पीला गोल पीला। और गाइज यहां पर यह जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रभावी लक्षण है, इस कारण यह भी हो जाएगा गोल पीला गोल पीला। फिर गाइज यहां पर है स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, यह है स्मॉल आर झुर्रीदार, फिर वाई वाई पीला तो हो जाएगा झुर्रीदार पीला, यह हो जाएगा झुर्रीदार
पीला। और गाइस यहाँ पर है आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यह हो गया झुर्रीदार और यह हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह अक्षर दिखा रहा है पीला का, तो यह भी हो जाएगा झुर्रीदार पीला। फिर गाइस अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह इसका लक्षण दिखा रहा है, तो यह भी हो जाएगा गोल पीला, गोल पीला। और गाइस यहाँ पर एक कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई हरा को दिखा रहा है, इसके बाद कैपिटल आर जो है यह हो जाएगा गोल हरा, गोल हरा, गोल हरा। और गाइस यहाँ पर है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गाइस यह हो जाएगा हम लोगों का स्मॉल आर झुर्रीदार का लक्षण दिखा रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीला का, तो यहां पर हो जाएगा झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और गाइस यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर झुर्रीदार को दिखा रहा है, स्मॉल वाई हरा को दिखा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। गाइस यह बन गया हम लोगों का पनेड वर्ग। अब आइए इसमें हम लोग जीनोटाइप व फिनोटाइप को निकाल कर उसका अध्ययन करते हैं। गाइस यह जो लक्षण है इसमें मेंडल ने स्वपरागण की क्रिया किया, इसमें गाइस जो इसका इससे किया तो यह प्राप्त हुआ, फिर इसका इससे या फिर इसका इससे या फिर इसका इससे या, तो गाइस इन सभी का स्वपरागण की क्रिया हुआ है, इनका इसमें फिर इनका इसमें फिर इनका इसमें फिर इनका इसमें, गाय ऐसे इनका इसमें फिर इसका इसमें, ऐसे गाइस यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया हुआ है। अब जो हम लोगों का ट्रैक्ट मिला, अगर कैपिटल आर रहेगा गोल होगा, और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा तब भी गोल होगा, और यहाँ पर आर आर है या तो झुर्रीदार होगा, और गाइस यहाँ पे पीला अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तब पर भी पीला ही होगा। गाइस यह लक्षण है पहचानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस इस प्रकार से अब आइए हम लोग इसके फिनोटाइप व जीनोटाइप के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइस इसका जो जीनोटाइप है, आइए हम लोग जीनोटाइप गाइस इसका जीनोटाइप होता है 12 24 12 12 1। अब गाइस इसमें हम लोग रेशियो लगा देते हैं, गाइस होगा 1:2:2:4:1, फिर 1:2:1:2:1। गाइस यह इसका हो गया जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जैसे उसके जीन के उसके जीनी स्तर पर हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप उसके फिजिकली उसके शारीरिक बनावट आकार रूप रंग का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हम लोगों का फिनोटाइप में यहाँ पर चार लक्षण हम लोगों को दिख रहे हैं। एक है गोल पीला और एक है गोल पीला, एक है गोल हरा। फिर इसके गाइस यहां पर है झुर्रीदार पीला। फिर इसके पश्चात यहां पर है झुर्रीदार हरा। तो गाइस अब आइए हम लोग यहां पर जो गोल पीला है इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9। तो गाइस जो हम लोगों का इस पनेड़ वर्ग से प्राप्त गोल पीला है यह है 9।
फिर इसके पश्चात गोलहरा, गोलहरा एक, फिर दो, फिर इसमें नहीं है, यहाँ पे रहे तीन। तो गाइस जो हम लोगों का इसमें गोलहरा है ये हम लोगों को तीन मिला है। फिर इसके पश्चात अब आइए झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला एक दो तीन। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला की संख्या इसमें कितना है तीन है। इसके पश्चात अब आ गया झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार के हरा की संख्या केवल एक है। तो गाइस यहाँ पे आ गया एक। तो गाइस जो मेंडल ने पनेड़ वर्ग से बनाया जो सूचना दिया इसमें था जीनोटाइप 1:2:2:2:4:1:2:1:2:1 और जो इनका जो फिनोटाइप था यह था 9:3:3:1। गाइस यह हो गया हम लोगों का दो जीनों की वंशागत। मेंडल ने अपना नियम 1856 से 1863 सात वर्षों तक इनका नियम चला। इसके पश्चात यह हम लोग पढ़ रहे हैं दो जीनों की वंशागत। दो जीनों की वंशागत में हम लोग पनेड़ वर्ग बनाकर पढ़े। पनेड़ वर्ग में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो लक्षण मिला बीज का आकार व फूल का रंग, उन दोनों के लक्षण को लेकर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया करे। उसके पश्चात हम लोगों को यह मिला, फिर इसी को हम लोग स्व परागण की क्रिया कराकर पनेड़ वर्ग में यह मिला हम लोगों को। दो जीनों की वंशागति से जो प्राप्त फिनोटाइप है वह है 9:3:3:1 और जो हम लोग का जीनोटाइप है इसे याद करने का तरीका 12:24:12:12:1। फिर गाइस इसमें हम लोग इंस्टू लगा देते हैं, अनुपात लगा देते हैं, हम लोगों का हो जाएगा 12:24:12:12:1 या हो गया जीनोटाइप। और जो फिनोटाइप है वह 9:3:3:1। गाइस यह हो गया हम लोगों का पूरा दो जीनों का वंशा गए। तो गाइस आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।